हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी इज़ सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारी बिग दिवाली सेल चल रही है जिसके तहत आपको 60% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अलग अलग जो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, यूपीएससी से रिलेटेड स्टेट पीएससी कोर्सेज जो हैं, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज हैं, लॉ एग्ज़ाम कोर्सेज हैं और भी दूसरे कोर्सेज हैं, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, ये जो इशू है, ये जो चल रहा है, तो इसी दौरान राज्यसभा के जो एमपी हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने ये कहा कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे ऑन राम टेंपल। तो इसलिए जो हमें जानना है वो ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी किस टाइप की है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी में हमारे पास तीन पिलर हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ है, लॉ बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा। जो लॉ है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है और उसको इंटरप्रेट करने का काम, या फिर हम कहें कि जो लॉ बनाया गया है क्या वो संवैधानिक जो ढांचा है उसके अंदर है कि नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान में किसके द्वारा रखा जाता है? जुडिशरी के द्वारा। अब क्या है कि अगर कोई भी अगर लॉ हमें लेकर आना है तो वो लॉ किस तरीके से बनता है? सपोज़ हमें एक लॉ बनाना है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, अगर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और फिर ये जो कंटेंट है ये अप्रूव किया जाता है कैबिनेट के द्वारा। अब क्या है, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है इसके तहत क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स पार्लियामेंट का भी पार्ट होते हैं। तो जो भी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव उस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में, और बिल के फॉर्म में वो इंट्रोड्यूस होगा। अगर वो पास हो जाता है तो वो बन जाएगा एक्ट। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं। तो अगर हम बात करें बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है तो दो लोग कर सकते हैं। एक कौन कर सकता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब जो भी मिनिस्टर या एमपी, हम कहें जो एमपी मिनिस्टर है या गवर्नमेंट का पार्ट है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और दूसरा जो नॉर्मल एमपीज हैं मतलब जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो ऐसे बिल जो गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर जो गवर्नमेंट का पार्ट है उसके द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल, और दूसरे जो एमपीज जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है उसके द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स बिल आर पायलेटेड बाय नॉन मिनिस्टर एमपीज। जो नॉन मिनिस्टर एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा लाया जाता है। देयर पर्पस इज टू ड्रॉ द गवर्नमेंट्स अटेंशन टू व्हाट इंडिविजुअल एमपी सी एज इश्यूज एंड गैप इन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क विच रिक्वायर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। अब कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज शायद गवर्नमेंट के लिए इतने इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत तरीके के इश्यूज आते हैं, और जो एमपीज हैं, एमपीज जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ये इशू इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट के अटेंशन को खींचने के लिए कई बार ऐसे बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो एमपीज हैं उनको भी ये फ्रीडम दिया गया है कि वो भी कोई लॉ बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसीलिए जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कह रहे हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेबिलिटी है प्राइवेट मेंबर्स बिल की, वो कौन डिसाइड करेगा? राज्यसभा का चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर।
अब हमारे पार्लियामेंट में हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, दो है ना, एक है राज्यसभा एक है लोकसभा। कोई भी एमपी या तो राज्यसभा का मेंबर हो सकता है या लोकसभा का मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहता है तो उसकी एडमिसिबिलिटी कि उसे इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन राज्यसभा के चेयरमैन लेंगे। सिमिलरली लोकसभा में ये डिसीजन स्पीकर के द्वारा लिया जाएगा। अगर प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करना है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट अ मंथ्स नोटिस देना पड़ेगा, एक महीने का नोटिस देना भी बहुत जरूरी है। द हाउस सेक्रेटेरिएट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि आपके पास लोकसभा सेक्रेटेरिएट भी होता है और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट भी होता है ना। तो ये जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट जो होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा को। तो जब कोई भी नोटिस दिया जाता है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करना है, तो उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस है तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा ये एग्जामिन किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि नहीं है, जो रूल्स है वो रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है राज्यसभा केस में चेयरमैन के द्वारा और लोकसभा के केस में स्पीकर के द्वारा कि इसको अलाउ करना चाहिए कि वो जो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो कि नहीं, तो फिर फाइनली डिसीजन लिया जाता है। 1997 तक, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्राइवेट मेंबर्स कुड इंट्रोड्यूस अप टू 3 बिल्स इन अ वीक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे। और इस वजह से क्या होता था, पाइलिंग अप ऑफ बिल्स वेयर इंट्रोड्यूस, इसका रीज़न भी बहुत था, क्योंकि क्या होता था कि जैसे कोई एमपी है और वो अपने पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से आया, तो अब वहाँ की जनता को ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए काफ़ी कंसर्न्ड हैं, हम आपके इश्यूज़ को पार्लियामेंट में रेज कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी एमपीज़ होते थे वो अपने अलग अलग जो बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करते रहते थे, उसके लिए नोटिस देते रहते थे। तो इससे क्या है कि लोकसभा राज्यसभा में भी वर्क बर्डन बढ़ता चला गया, और क्योंकि डिस्कशन का भी टाइम नहीं रहता था इतना, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट बिल को भी इंट्रोड्यूस करना है, उससे भी रिलेटेड भी डिस्कशन करना है, और फिर जो प्राइवेट मेंबर बिल्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो इसी के बाद से क्या है कि जो चेयरमैन के आर नारायणन जो थे, उन्होंने क्या किया, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं उनको रिड्यूस कर दिया 2-3 पर सेशन। हर सेशन में सिर्फ 3 बिल ही, प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिससे कि अगेन जो बर्डन है, वर्क बर्डन है, वो भी रिड्यूस किया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट बिल की बात करें, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ऑन एनी डे, किसी भी दिन जो है जब बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर अगर डिस्कशन होता है, जैसे एक बार कमेटी के पास वो बिल जाएगा, स्टैंडिंग कमेटीज के पास बिल जाता है, और उसके बाद किसी भी दिन उस पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल का जो इंट्रोडक्शन है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ही ये डिस्कशन हो सकता है या इंट्रोडक्शन हो सकता है। और क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड इन राज्यसभा ऑन 20 डेज इन द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 सालों में मात्र 20 दिन ही इंट्रोड्यूस या कहें हम डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं वो इतना इम्पॉर्टेंस नहीं ले पाते राज्यसभा या लोकसभा में। अगेन इस पर अगेन बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि क्या उन्हें इम्पॉर्टेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बट ये डाटा जरूर ये शो कर रहा है कि अभी इतना इम्पॉर्टेंस नहीं दिया गया। अब जो ये शेड्यूल्ड फ्राइडे है, द प्राइवेट मेंबर मूव अ मोशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल विच यूजुअली नॉट अपोज्ड। अब जो मोशन आता है, अब है ना, कोई भी एमपी है तो वो मोशन लेकर आता है कि ये बिल मेरे द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर क्या है कि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो उसे अपोज कर सकते हैं, लेकिन वो इन जनरल अपोज नहीं करते हैं। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स दैट आर इंट्रोड्यूस आर टेकन फॉर डिस्कशन। अब जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट बिल भी अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उस पर डिस्कशन प्रॉपर होता है, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उन पर इन जनरल डिस्कशन नहीं होता, या बहुत ही कम केसेस में होता है। अब क्या होता है कि राज्यसभा के केस में, अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा के केस में क्या है कि प्रॉपर वोटिंग करा ली जाती है कि जैसे ये प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं और
इनका जो डिस्कशन है वो किस तरीके से सीक्वेंस में लाया जाए, मतलब कौन सा डिस्कशन कब होगा। तो जब एक डिस्कशन खत्म होगा उसके बाद ही दूसरे प्राइवेट मेंबर बिल पर डिस्कशन होगा। और इस बीच ये भी हो सकता है कि एक सेशन में एक बिल पर ही डिस्कशन हुआ, दूसरे सेशन में जो है दूसरे बिल पर डिस्कशन होगा, ये सारी सिचुएशन भी होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ओवर द लास्ट 3 ईयर्स राज्यसभा में 165 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए और उनमें से सिर्फ 18 में डिस्कशन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो राज्यसभा मेंबर जैसे ही वो रिटायर होते हैं, जैसे 6 ईयर्स के बाद उनका जो टर्म है वो ख़त्म हो जाता है, तो जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो जो बिल है वो भी लैप्स हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है कि जैसे बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जो डिस्कशन होगा, डिस्कशन के कंक्लूजन के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि जो मिनिस्टर हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम आपका जो इशू है उस पर अलग से एक लॉ लेकर आएंगे, अलग से एक बिल लेकर आएंगे। तो अगर जो भी प्राइवेट मेंबर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल हो सकता है कि उसको विथड्रॉ कर लिया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो प्राइवेट मेंबर नहीं एक्सेप्ट करता है तो फिर क्या होगा, उसके बाद वोटिंग होगी उस बिल पर। अगर वोटिंग होती है और सफिशिएंट नंबर जो है वो उस बिल को मिलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो बिल पास कंसीडर किया जाएगा। जैसे इन 1977 राज्यसभा पास्ड अ प्राइवेट मेंबर्स बिल टू अमेंड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था जिसको पास किया गया था राज्यसभा में, भले बाद में लोकसभा में इसकी अप्रूवल नहीं मिल पाई थी और इसके बाद वो लैप्स भी हो गया था, वो अलग इशू है। सो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अब प्रश्न की बात करें, इस लेक्चर से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो मेंस में तो जीएस पेपर 2 में अगेन प्रश्न बन सकते हैं, इन जनरल भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ प्राइवेट मेंबर बिल, और इंपॉर्टेंस उससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है मेंस में जीएस पेपर 2 में। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें भी प्रश्न बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट अ प्राइवेट मेंबर बिल, तो कुछ भी जो संवैधानिक प्रोविजंस है वो पूछे जा सकते हैं, या कुछ जैसे हमने कहा कि इंट्रोडक्शन या फिर जो डिस्कशन है वो फ्राइडे को किया जा सकता है, 1 मंथ का नोटिस देना चाहिए, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।